आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पर स्टार मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करें, उसका सही तरीका क्या है, पे आउट किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो, फिर कहते हो कि भैया मेरे में स्टार का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा है। कोई कोई कहते हैं कि भैया सेटअप कंप्लीट करने के बाद मेरे में स्टार का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, मेरे अकाउंट में तो दिख जाता है लेकिन किसी और के अकाउंट से सर्च मारते हैं तो मेरे में स्टार का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो भैया आप लोग सेटअप करने वक्त बहुत सारे गलतियों को करते हो जिसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सेटअप करने का सही तरीका बताने वाला हूं और उसके साथ ही साथ पे आउट किस तरीके से बनाया जाता है ताकि आपका पेमेंट आने में ना ही दिक्कत हो, ना ही आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा एक एक स्टेप डिटेल से और बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोलना है, क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहां से देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से अवेलेबल टूल्स में आपको देखिए स्टार्स दिखाएगा और बगल में आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो समझ जाइएगा कि मेरा स्टार वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। तो सिंपली आपको सेटअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटअप पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए अर्न मनी विद स्टार, मतलब आप स्टार मोनेटाइजेशन से पैसे कमा सकते हैं। भैया स्टार मोनेटाइजेशन सेटअप करके पैसे कमा सकते हैं। और यहां पर नीचे में आपको गेट दिखा मिलेगा कि मतलब हम आपको पेड करेंगे, आप पे जो भी स्टार रहेंगे उसके बदले हम आपको पैसे पेड करेंगे। यहां से कनेक्ट विथ योर फैंस, मतलब अगर आपके फैंस आपके आप पे स्टार भेजते हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनको आपका कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है। और यहां पे बी यू देखने को मिल जाएगा, यहां पर लिख रहा है परचेज पर्सन गेट पेड, मतलब कोई खरीद के अगर आपको देता है स्टार वहां से आप पैसे जनरेट कर सकते हो। तो नीचे में आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, तो सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कीजिएगा, अगर आपने कोई भी मोनेटाइजेशन टूल्स को पहले से मोनेटाइज किया है या फिर अगर आपने पहले पे आउट अकाउंट बनाया है तो आपके सामने आपका पे आउट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके बैंक डिटेल को ऐड कर दीजिएगा तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार पे आउट बना रहे हैं या फिर पहली बार आप स्टार मोनेटाइजेशन सेटअप कर रहे हैं तो सिंपली यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या खोज रहा है, लीगल फर्स्ट नेम। तो यहां से भैया आपका जो भी लीगल फर्स्ट नेम रहे, मतलब कि आपका खुद का नाम डालना है, यहां पर आपको कोई पेज का नाम या प्रोफाइल का नाम ये सब लनफन नहीं डालना है। यहां पर आपको अपना खुद का नाम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड में हो। यहां पर आपको पूरा पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल डालना है, ठीक है। तो यहां पर लीगल फर्स्ट नेम में जो भी आपका फर्स्ट नेम रहे फर्स्ट नेम डालना है। लीगल सरनेम में आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डाल दीजिएगा। और कंट्री में आप जिस भी कंट्री से, अगर आप इंडिया से इंडिया डालिएगा, पाकिस्तान से पाकिस्तान डालिएगा, नेपाल से नेपाल डालिएगा, सऊदी अरब से सऊदी अरब डालिएगा। इतना डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आपका कंट्री बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा और यहां से बिजनेस टाइप आपको खोजेगा। तो भैया बिजनेस टाइप में ओनली इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उसके बदले हमको पैसे मिलेगा, इसीलिए हम पे आउट बना रहे हैं। तो सिंपली भैया इंडिविजुअल क्लिक कीजिएगा। बहुत लोग बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो भैया उनका गलती हो जाएगा, कोई कॉर्पोरेटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां से आपका पेमेंट नहीं आएगा, आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। तो ओनली ऑन आपको हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। और ये वीडियो सिर्फ स्टार मोनेटाइजेशन के लिए नहीं, आपको इन स्ट्रीम ऐड हो गया या फिर एड्स ऑन रील्स हो गया, कोई भी सेटअप कीजिएगा ना भैया, आप में ये जो बैंक डिटेल वाला ये जो पे आउट सेटिंग है ना, इसको आपको सही से भरना जरूरी है। के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने आपका जो भी डिटेल आपने जो भी अभी भरा है वहां से उसको देख यहां पर आपको रीचेक करने के लिए आ जाएगा। तो सिंपली यहां से देखिए मेरा नाम और ठिकाना आ गया। यहां से क्या खोज रहा है, आपका प्राइमरी एड्रेस। तो प्राइमरी एड्रेस में भैया जो भी आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना, यहां पर आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल देना है। फिर नीचे में आपको सिटी एस टाउन देखने को मिलेगा, तो भैया आप जिस भी सिटी या फिर टाउन में रहते हैं यहां से आप अपने सिटी एंड टाउन का नाम डाल लीजिएगा। फिर यहां से आपको कंट्री एस रिलीजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कंट्री तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अब रिलीजन में हमको क्या डालना है, हमको अपना स्टेट का नाम डालना है। तो सिंपली यहां से अपना स्टेट का नाम डाल दीजिएगा। पोस्ट कोड खोजेगा, तो पोस्ट कोड आप जैसे ही अपना आधार कार्ड उठाइएगा तो उसमें आपको 6 अंकों का एक पिन कोड देखने को मिल जाएगा। तो पोस्ट कोड में आपको सिंपली पिन कोड एंटर कर देना है, यहां पर आपको अपना फोन नंबर डाल लेना है, फिर आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना है जो कि आपका फेसबुक में ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर बोलने का मतलब आपको अपना पैन कार्ड डाल का नंबर डाल लेना है, ठीक है। भैया अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है तो
पूरा जो मैं यहां पर पे आउट सेटअप बना रहा हूं आपके मम्मी के नाम पे बना लीजिएगा या फिर अपने पापा का नाम पे बना लीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना सब डिटेल डालने के बाद सिंपली आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक टिक करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो सर्कल है ना, सिंपली इस पर टिक कर देना है। और यहां पर इसके टिक करने का मतलब है कि मैंने जो डिटेल भरा है यहां पर बिल्कुल सही सही है और मेरा खुद का डिटेल है, यहां पर आपको एग्री करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो सिंपली इसको टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो भैया यहां से आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहां से मैन्युअली लिंक द बैंक एंड लिंक योर पेपल अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी पेपल अकाउंट है तो सिंपली यहां से पेपल अकाउंट डाल दीजिएगा। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो सिंपली मैन्युअली लिंक द बैंक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैन्युअली लिंक द बैंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपका बैंक का कंट्री पूछेगा। तो भैया मैं तो इंडिया से हूं, आप भी इंडिया से हो गए तो सिंपली यहां पर क्लिक करके इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर आप जिस भी कंट्री से हैं वो वाला कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां से आपके सामने अकाउंट होल्डर नेम पूछेगा। तो भैया यहां से आपका जो जिसका भी बैंक अटैच कर रहे हैं, किन्हीं का भी बैंक अटैच कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद का भी अटैच कर सकते हैं, मम्मी का भी अटैच कर सकते हैं, पापा का भी अटैच कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम रहे जिनका भी बैंक अटैच कीजिएगा, यहां से अकाउंट होल्डर नाम डाल दीजिएगा। यहां से स्विफ्ट कोड सबसे ज्यादा जरूरी होता है भैया, स्विफ्ट कोड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई गलती क्या करते हैं कि स्विफ्ट कोड में अपना आईएफएससी कोड डाल देते हैं। ना बबुआ, जो आईएफएससी कोड होता है ना वो केवल नेशनल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब इंडिया में अगर आपको कहीं भी पैसा भेजना हो तो वहां से आपको आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पैसा इंडिया से बाहर आ रहा है तो आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। तो स्विफ्ट कोड आपको कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा। अगर आप अपना बैंक का नाम और मेन ब्रांच का नाम अगर गूगल पे आप सर्च मारिएगा तो आपका स्विफ्ट कोड आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप बैंक जाइएगा और बोलिएगा कि मैं जो है एक वेबसाइट बनाया हूं या फिर मैं यूट्यूब चलाता हूं और मैं एडसेंस से पेमेंट मंगवाता हूं और वहां पे मुझे स्विफ्ट कोड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो प्लीज मैं हमको अपना स्विफ्ट कोड दीजिए। तो बैंक वाला बोलेगा, एकाक बार तो शकल देख के ही भगा देगा, अरे भागो तुम स्विफ्ट कोड लेके क्या करोगे, फंस जाओगे, चूतिया बनाते हो, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो बोलिएगा, ना बबुआ ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं एक यूट्यूबर हूं, हमको हल्के में ना लीजिए, हमको स्विफ्ट कोड दीजिए, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि मेरे ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है या फिर वो आपको दे देंगे। तो बोलिएगा, अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो कॉल करके अपने मैनेजर से पूछिए कि आपका जो पैसा है वो किस स्विफ्ट कोड के बिहाफ पे आता है, वो जो भी मेन ब्रांच के स्विफ्ट कोड पे आता है वहां से वो भी स्विफ्ट कोड वो आपको देंगे। यहां से आप स्विफ्ट कोड डाल के और यहां से अकाउंट नंबर डाल के और यहां से लिंक द बैंक पे आउट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यूं गोल 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 घूमेगा, तो घबराइएगा नहीं। फिर यहां से क्या खोजेगा, एड योर टैक्स इंफॉर्मेशन। ये भैया सबसे जरूरी होता है और ये भरना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं डालिएगा ना, टैक्स इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं डालिएगा ना भैया, आपका जो है ना ये आपका पे आउट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और आपका जो पैन कार्ड है ना उसमें हमेशा रेड रेड दिखाते रहेगा और आपका पेमेंट कभी भी नहीं आएगा। ये डिजिटली टैक्स फॉर्म होता है, ये भरना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं भरिएगा तो इसके बाद भैया कभी आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो ये भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके बारे में आपको कोई बताता ही नहीं। तो चलिए इसको हम अच्छे से बिल्कुल डिटेल से डाल लेते हैं। तो यहां से ये ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपके सामने देखिए कनेक्ट टू टैक्स, मतलब टैक्स इंफॉर्मेशन भरने के लिए यहां से आपके सामने आपका आईडी डालना पड़ेगा और फिर यहां से आपके सामने आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए हम फटाक से इसको डालकर लॉग इन कर लेते हैं। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कीजिएगा तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर सिंपली आपको जो भी आपका प्रोफाइल का नेम है या फिर जो भी आपका पेज का नाम है वो आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली कंटिन्यू एज जो भी आपका प्रोफाइल या फिर पेज का नाम रहे उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं जो है आपका जो डिजिटली बिजनेस फॉर्म होता है, डिजिटली टैक्स फॉर्म होता है, वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और इसको भरना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया आप इन स्ट्रीम एड सेटअप करो, एड्स ऑन रील सेटअप करो, सब्सक्रिप्शन सेटअप करो, कोई भी सेटअप करो, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से यहां पर आपके सामने देखिए व्हाट इज योर क्लासिफिकेशन टैक्स इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो आपने ऑलरेडी जो है यहां पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रखा है। फिर आपके सामने यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड एंड अदर यूएस सिटीजन एलियन, ठीक है। तो यहां से सिंपली आपके सामने नो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट
कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली यहां से नो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। यहां से आपके सामने क्या पूछ रहा था, यहां से पूछ रहा था कि क्या आप यूएस सिटीजन है, क्या आप अमेरिका से हैं, या फिर उनका कोई जो मतलब एलियन, एलियन का क्या मतलब होता है, या फिर आप यूएस के कोई सिटीजन से शादी करके क्या आप वहां पर बसे हैं, या फिर आप वहां के ग्रीन होल्डर हैं। तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर क्या कह रहा है, आर यू एक्टिंग ए इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो आप किसी बिहाफ पे ले रहे हैं। तो भैया नहीं, मैं तो ऑनर हूं, तो सिंपली इसको नो पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। मतलब आपको फर्स्ट भी नो सिलेक्ट करना है और सेकंड भी नो सिलेक्ट करना है। यहां से आपके सामने आपका फुल नेम आ जाएगा। यहां से क्या कर रहा है, कंट्री, कंट्री ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके यहां से आप अपना कंट्री चूज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहां से इंडिया से हूं, तो यहां से इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहां से जो भी आपका पैन नंबर डाला हुआ रहेगा वो आपके सामने ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आई हैव नन यूएसटीन, अगर ये वाला आपका टिक नहीं रहेगा तो सिंपली इसको टिक कर दीजिएगा और सिंपली यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने फिर से आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां से सिंपली जो भी एड्रेस लाइन वन में, यहां से फिर से आप अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहां से सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने यहां पर सेम एज एड्रेस पे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि सेम एज एड्रेस परमानेंट एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, वहीं पर आप रहते हो, ठीक है। इतना डिटेल डालने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने ये वाला जो है ना, यहां से ये वाला लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर विल बी फिजिकली परफॉर्म, यहां से पूछ रहा है क्या आप अपना कंटेंट को कहां से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप यूएस से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप कहीं और से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसमें नहीं रह रहा हूं, 0% परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली यहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को 0% को यहां से सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने आपका सिग्नेचर खोजेगा, ठीक है, और यहां से आज का डेट खोजेगा। तो आज का डेट है भैया 29/4/2023 और यहां से आपके सामने आपका सिग्नेचर खोजेगा। तो आपका जो भी पैन कार्ड का नाम है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से देख सकते हैं भैया W8 Bain फॉर्म, जो टैक्स इंफॉर्मेशन होता है ना, जिसको भरने में सबकी फटती है, उसी को मैं भर के यहां पर दिखाया हूं। और यहां से इतना काम भरने के बाद यहां से बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को पढ़ लीजिएगा कि मैंने कहीं पे कोई एड्रेस को गलत वलत तो नहीं भरा है या फिर कुछ तो नहीं भरा है। यहां से अगर टोटल सही है तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा जो है कुछ टाइम लगेगा, कुछ देरी लगेगा, और यहां से आपके सामने देख सकते हैं योर टैक्स इंफॉर्मेशन विल बी कंप्लीट, मतलब आपका जो भी टैक्स इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहां से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डन पे क्लिक कीजिएगा यहां से आपके सामने कुछ टाइम लेगा और यहां से जो भी आपका रहेगा यहां से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भैया आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव था कि आपको बता नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के जड़ से लेकर सर तक अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भैया अगर आपको फेसबुक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा और एक एक प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से और बारीकी से समझा रखा है। तो मेरे चैनल पे जाइए और एक एक प्रॉब्लम को देखिए और फेसबुक के बारे में सीखिए और फेसबुक से पैसे कमाइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।